हेलो। हेलो। हाँ इरफान, किधर हो तुम? फिलहाल क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों कुछ नहीं बता सकती। तुम शाम को मुझसे मेरे घर पे मिलो। अभी हो? तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारे घर पे हूँ। तो हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कहाना नहीं बता सकती। अच्छा चलो, ओके, खुदा हाफिज। हेलो, जरूर जो ही से कोई लड़ाई हो गई होगी इसकी। क्या करूं मैं इन लोगों का? शफक पुत्र जी आई। अंदाजा नहीं है किसी को। खाना रखा है, खा लो। अब लेकर आई हो तो खिला भी दो जरा। भाभी, अनिला भाभी, आपको तनवीर भाई बुला रहे हैं। उसको ना बुलाओ, उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता मेरा। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ। हम वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे शौक है ऐसी हरकतों का। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बीवी घर पे बैठे हैं। अपनी बीवी को बुलाओ और बिठाओ अपने पास। रहम करो, थोड़ा वक्त तो दो, आओ तो सही। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? खाना रखा है, खिला दो इसको। ये खाना? ये तो तनवीर का है। मेरा खाना कहाँ है? तुम्हारा भी बना रखा है, आकर ले जाओ। अल्लाह, देखो तो जरा, नखरे तो देखो इसके। समझते क्या है खुद को? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हमें आंखें दिखा रही है। इसका इलाज तो करती हूँ मैं, मालकिन हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू होती हूँ। हाँ देख नीला, इतना ऊंचा ना बोला कर, तेरी आवाज ना हथौड़ी की तरह लगती है मेरे दिमाग में। चुप हो जा। चचा नु आंदे हो, शिकायत लगाऊंगी मैं इसकी। चल लगा ली, अभी चुप कर जा, तेरी मेहरबानी। मैं कहती हूँ यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो? चलो ना अपने घर चलते हैं। इलिने, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। ये सारे मेरे अपने लोग हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा। तू जा, मैं नहीं जाना। क्या मतलब है कि अपने हैं? मैं अपनी नहीं हूँ क्या? चल। और ना साफ नजर आ रहा है मुझे कौन से अपने हैं तेरे यहाँ पर। और ये सुबह शाम जो तेरे लिए खाने बन रहे हैं ना, वो भी देख रही हूँ। देख नीला, ऐसे ना कर, तेरी मेहरबानी। इसको तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। बड़ी नेक बादशाह बनी फिरती है ना, पूरे मोहल्ले में बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी अनिला नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। हाँ तू समझती क्या है अपने आप को, और तू है क्या? गरीब मस्कीन बेसारा डोरे डालती है मेरे शोहर पर, ख्वाब देखती है मेरी बराबरी के। बस करो भाभी, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अब तू मुझे मेरी हद बताएगी? तेरे जैसी है ना मेरे घर में झाड़ू पोंछा करती है। गलत फहमी है तुम्हारी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा करना भी ना, तनवीर ना सिर्फ मेरा है, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। ऐसा कभी ख्वाब में भी ना सोचना। ताई जी, सब खैर है ने? अब कुछ नहीं चचा, आपको तो पता है तनवीर कितना बीमार है। इस मनुष्य को मैंने कहा है कि मुझे दूध का एक गिलास दे दे, कह रही है कार में दूध नहीं है, खत्म है, नहीं मिल सकता। अब मैं तो जी कहती हूँ हमें अपने कार जाने दे, वहाँ मैं तनवीर की अच्छे से देखभाल कर लूंगी। नहीं, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है, कुछ है तो मैं ले आऊंगा। बाप तेरा घर है, जो चीज चाहिए ले ले। फिर भी अगर हम अपने कार चले जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता? नीला उसे ठीक तो हो लेन देना, खैर सलाह चले जाना, अभी खुद भी यही रहना चाहता है अपना। दुर्योधन जी, बेटा जो अनिला को चाहिए ना वो दे दे उसे। जी ताएशा। और हाँ इसे ना अच्छे से समझा दे कि मैं क्या हूँ और इस घर में मेरी क्या हैसियत है। भाभी दूध वहां पतीली में रखा, जाके ले लो। चलो फायका, अब तुम एक तो सुकून का एक लम्हा नहीं है इस घर में, हर वक्त बच्चों की फौज मिठाई होती है।